हेलो फ्रेंड्स, फिनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट्स के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ दी सेकेंडरी मार्केट, जिसके अंदर हम स्टॉक एक्सचेंज करेंगे। देखो, जो स्टॉक मार्केट होती है, एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है कि जब कंपनीज जो है नई सिक्योरिटीज़ इशू करती हैं, तो वहाँ प्राइमरी मार्केट के द्वारा जो होती है परचेज और सेल होती है। लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे जो ऑलरेडी इशू आ चुके होते हैं, उनकी शेयर जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है लिस्टेड होते हैं, और यहाँ पे जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स होते हैं उनकी सेल और परचेज होती है। देखो, जो स्टॉक मार्केट है, जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो इट मींस कि वी टॉक अबाउट दिस सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, जो ऑलरेडी इश्यूज आ चुके हैं, जिनकी लिस्टिंग हो चुकी है, जिनकी ट्रेडिंग होती है। और ये एक ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म होता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस को सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशन के अंदर गवर्निंग होती है, सेबी जो है उसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी की, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं, उनकी परचेज और सेल होती है। इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट जो है 23 अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। देखो, जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, रेगुलेटेड होती हैं, और यहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर जो वेरियस सिक्योरिटीज़ इशू करता है उनकी डीलिंग्स होती हैं। और यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर हम बड़ी आसानी के साथ जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको परचेज सेल कर सकते हैं, और जो कमोडिटी एक्सचेंज है वहाँ पे हम कमोडिटी की सेल एंड परचेज कर सकते हैं। और देखो, जो सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं होती, उनको ओवर द काउंटर के द्वारा जो है उसका सेल और परचेज होता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। देखो, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 जो है स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन करता है, एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर दे आर रजिस्टर्ड और नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड। देखो, जहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इस्टेब्लिश की जाती है, किस पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश की जाती है, कि जो बाइंग एंड सेलिंग का सिक्योरिटी क्या है उसको असिस्ट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। और पायल डिफाइन करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पे सिक्योरिटी लिस्ट होती है, और लिस्टिंग की वजह से क्या होता है कि उनको परचेज और सेल करना जो है बड़ा आसान हो जाता है। और ये जो परचेज सेल है, जेन्युइन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, स्पेकुलेटर भी हो सकते हैं। इन डेफिनेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है ऐसी जगह जहाँ पे सिक्योरिटी लिस्टेड होती है और जहाँ पे उनको परचेज और सेल जो है किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। और स्टॉक एक्सचेंज जो है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होती है, ये इनकॉर्पोरेटेड भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। और यहाँ पे जो ट्रेडिंग्स होती है सेबी जो है कंट्रोल करता है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। जेन्युइन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, स्पेकुलेटर्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे सिक्योरिटी कंपनी की भी हो सकती है, कॉर्पोरेशंस की भी हो सकती है, गवर्नमेंट की भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशंस की भी हो सकती है। अब देखो, यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसका मार्केट सेगमेंट के अंदर कैपिटल मार्केट सेगमेंट होता है, जहाँ पे इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, वारंट जो होते हैं ट्रेडिंग होती है। होलसेल डेट मार्केट के अंदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, पब्लिक सेक्टर की बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर जो होते हैं उनकी ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर ऑप्शन, जहाँ पे डेरिवेटिव बेस्ड इक्विटी एंड इंडेक्स की जो है ट्रेडिंग होती है। अब देखो, यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट है, इसके अंदर देखो इन्वेस्टर्स होते हैं। ये जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी सेविंग थोड़ी होती है, और यहाँ पे ये जितना भी इनके पास सरप्लस फंड्स होते हैं ये शेयर मार्केट के अंदर लगाते हैं। और यहाँ पे जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, लेकिन उसके अंदर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी तरह जो दूसरे, और जो यहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी होते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल एफ्लुएंट फैमिलीज होती हैं जो काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करती हैं, एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। और उसी तरह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन जैसे LIC, UTI, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा जो है, जो सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी तरह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। और देखो, यहाँ पे मार्केट इंटरमीडियरीज होते हैं, ये स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, डिपॉजिटरीज होते हैं,
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और उसी तरह रेगुलेटरी बॉडी जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए रूल्स बनाती हैं, जो कि वहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है उसके लिए रूल्स एंड बायलॉज बनाती हैं एंड रेगुलेशन रेगुलेट करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। देखो जो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर हमने किसी कंपनी के सिक्योरिटीज़ परचेज़ किए हैं तो स्टॉक एक्सचेंज हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है यहाँ पे हम अपने शेयर को बड़ी आसानी के साथ सेल और परचेज़ कर सकते हैं। देखो जब सिक्योरिटी मार्केट जब हम सेकेंडरी मार्केट के अंदर या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर लिस्टेड होते हैं तो कोई भी परचेज़ करता है या सेल करता है तो ये पैसे कंपनी को नहीं जाते, बट यहाँ पे क्या होता है कि वो सिक्योरिटी मार्केट के अंदर लिस्टेड होते हैं, वहाँ पे उनकी डेली जो है प्राइस की कोटेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल और परचेज़ जो है ईजी हो जाता है, और कैपिटल मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ जाती है जिसकी वजह से लोग जो होते हैं शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि ये कंटिन्यू उस मार्केट जो है क्योंकि यहाँ पे एक रेडी मार्केट होती है, अगर जब शेयर लिस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे डेली उनके जो प्राइसेस कोटेड होते हैं तो बड़ी आसानी के साथ इनको सेल और परचेज किया जा सकता है। और देखो सिक्योरिटी के वैल्यूएशन भी हो जाती है, क्योंकि नेचुरली यहाँ पे इन्वेस्टर जो है क्योंकि डिफरेंट एक्सचेंजेस के अंदर कई बार क्या होता है कि हल्की फुल्की वेरिएशंस हो सकती हैं, तो वहाँ पे वो देख सकता है, क्योंकि जो सिक्योरिटी के प्राइसेस होते हैं वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होते हैं, तो नेचुरली वो सिक्योरिटी को एवेल्युएट कर सकता है कि उनकी सिक्योरिटी जो है अप जा रही है डाउन जा रही है। और उसी तरह क्या है कि देखो स्टॉक एक्सचेंज की वजह से क्या होता है, क्योंकि रेडी मार्केट है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी सेविंग बड़ी आसानी के साथ जो है, क्योंकि शेयर जो है जिनको लगता है कि उनके अंदर काफ़ी मुनाफा हो सकता है वो उन शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो जो न्यू एंड एग्जिस्टिंग कंसर्न्स हैं, अगर उनके जो एग्जिस्टिंग कंसर्न्स की ऑलरेडी इश्यूज़ जो हैं लिस्टेड होते हैं तो नेचुरली उसके लिए दोबारा इशू लेके आते तो इजी हो जाता है। इवन जो नई कंपनीज आती हैं तो वो भी क्या होता है कि बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट डिवेल्प है तो बड़ी आसानी के साथ वो भी पैसा जो है रेज कर सकती है। और यहाँ पर क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैनिपुलेटिंग ट्रांजैक्शन के चांसेस नहीं होते, तो प्रोसीजर के मुताबिक ही सब कुछ होता है, तो सेफ्टी ज़्यादा होती है। और उसी तरह क्या है कि जब लिस्टेड सिक्योरिटी कोई स्टॉक एक्सचेंज से परचेज़ कर सकते हैं, और नेचुरली हर एक कंपनी जो अपना इशू जो है लिस्ट करवाना चाहती है तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। और उसी तरह क्या है कि जो गवर्नमेंट है, स्टॉक मार्केट जो है गवर्नमेंट को एक एवेन्यू प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा पब्लिक डेट भी वो रेज कर सकते हैं, और कंपनी जो एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट करती हैं तो उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट और बहुत सारी रिपोर्ट जो होती हैं देनी पड़ती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि बिज़नेस इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक, इन्वेस्टर तक बड़ी आसानी के साथ पहुँच जाती है, जिसके बेसिस पे वो डिसीज़न ले सकते हैं कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर जो है 23 जो है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जिसके अंदर क्या है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है दे आर वेरी सिग्निफिकेंट, यूपी स्टॉक एक्सचेंज कानपुर, वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज, मेरठ स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड एट बेंगलोर, और उसी तरह भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड एट भुवनेश्वर, कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज सिचुएटेड एट कोलकाता, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, कैनरा स्टॉक एक्सचेंज बेंगलोर में, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, एमपी स्टॉक एक्सचेंज इंदौर, मगध स्टॉक एक्सचेंज, पूना स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो हमने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब डील करना है तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें जो अपना ब्रोकर है वो सिलेक्ट करना पड़ता है,
क्योंकि नेचुरली स्टॉक ब्रोकर के द्वारा क्या होता है कि हम परचेज़ और सेल कर सकते हैं। ये ब्रोकर जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, यहाँ पे हमें इनके पास ऑर्डर जो है देना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि देखो जो ट्रेडिंग फ्लोर होता है वहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, जिसको हम ट्रेडिंग पोस्ट कहते हैं। तो डिफरेंट पोस्ट जो होती है डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी के अंदर डील करती हैं। जब एक डील फाइनलाइज होती है, तब जब दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं, तो यहाँ पे बार्गेनिंग की नोटिंग हो जाती है, डीलिंग जो होती है बॉक्स के अंदर डाल दी जाती है, और सेलिंग नोट जो है सेलर के पास चला जाता है, और जो बाइंग नोट होता है वो बायर के पास चला जाता है। और यहाँ पे जो स्पॉट डीलिंग्स होती हैं उनको फुल के अंदर सेटल कर दिया जाता है। सेलिंग ब्रोकर जो होता है ट्रांसफ़र फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट जो है बाइंग ब्रोकर को दे देता है। उसके बाद जो सेटलमेंट फॉर रेडी डिलीवरी एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होती है उनके अंदर डिफरेंट प्रोसीजर होता है। देखो जो रेडी डिलीवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनको 3 to 7 days लग जाते हैं। अगर सेटलमेंट जो है एक्चुअली डिलीवरी, जैसे हमने शेयर परचेज किया तो एक्चुअल में हमें डिलीवरी चाहिए और वहाँ पे हम प्राइस पे करते हैं, तो इसको हम लिक्विडेशन इन फुल कह देते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि कई बार दूसरा मेथड होता है जहाँ पे हमें डिलीवरी नहीं देनी पड़ती, जहाँ पे हमें सिर्फ डिफरेंस देना पड़ता है। और उसी तरह क्या है कि जो सेटलमेंट जैसे फ्यूचर है फॉरवर्ड है तो उनकी जो है स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए की जाती है। तो यहाँ पे एक्टिव एंड ब्रॉड मार्केट सिक्योरिटी जो होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है डील की जाती है। और देखो जो सेटलमेंट होती है बेसिकली जो सेटलमेंट ऑफ फॉरवर्ड डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, ये फॉरवर्ड है, एक तो इनकी लिक्विडेशन इन फुल होती है जहाँ पे सिक्योरिटी को एक्चुअल में डिलीवर किया जाता है और पेमेंट ली जाती है। लिक्विडेशन ऑफ पेमेंट बाय डिफरेंस जहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरिटी के एक्चुअल देन नहीं होता, वहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो दिया जाता है। उसी तरह क्या है कि जैसे कैरी ओवर टू द नेक्स्ट सेटलमेंट, जिसके अंदर क्या होता था कि बार जो है कॉन्ट्रैक्ट को सेटल नहीं करना चाहता, फ्यूचर डेट में कैरी ऑन करना चाहता है, तो उसको कैरी ओवर कहते थे, लेकिन यह बैन हो गया। इसके बदले में बदला चार्ज उसको जो है देना पड़ता था। अब हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ऑफ ट्रेड कैसे होती है। देखो जैसे इन्वेस्टर जो है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है सिक्योरिटी को सेल करता है और वो डिपॉजिटरी के साथ लिंक होती है ब्रोकर के द्वारा, तो नेचुरली अपने वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है, देखो जब वो सेल करता है तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है उसका डीमैट अकाउंट जो है डेबिट कर देता है, और जो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ है वो क्लियरिंग कॉरपोरेशन के अंदर जो है बेसिकली जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने डीपी को इंस्ट्रक्ट करता है कि मेरा डीमैट अकाउंट जो है मैंने इतनी सिक्योरिटी सेल करनी है। और पेन डे से पहले क्या होता है कि ब्रोकर जो होता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन को सिक्योरिटी ट्रांसफ़र कर देता है और वो स्टॉक एक्सचेंज से पैसे रिसीव कर लेता है इन्वेस्टर जो है, फिर उसके बाद वो इन्वेस्टर को पैसे दे देता है। और उसी तरह क्या है कि जब उसने डीमैट सिक्योरिटीज़ परचेज करनी है तो इन्वेस्टर जो है अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शंस देता है कि मेरे लिए इतनी सिक्योरिटीज़ आपने परचेज़ करनी है, तो ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या हर बार जो है आप सेपरेट इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रोकर जो होता है इन्वेस्टर से पैसे रिसीव कर लेता है और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को पेमेंट्स करता है। ब्रोकर को क्या होता है कि सिक्योरिटीज़ मिल जाती हैं ऑन द पे आउट डे। ब्रोकर जो है डीपी को इंस्ट्रक्शंस देता है और जो क्लाइंट के अकाउंट जो उसके अकाउंट से पैसे ले लेता है और क्लाइंट के अकाउंट के अंदर जो शेयर है वो ट्रांसफ़र कर देता है, और जो इन्वेस्टर्स होता है उसके खाते के अंदर जो है बुक एंट्री के द्वारा शेयर्स आ जाते हैं।